ओए कितना धूल उड़ा रहा है यार लालू सिंह। इतने दिन से जो है ना मेरे ब्लॉग में नजर नहीं आ रहा है मेरे फ्रेंड्स कॉलेज के। कैसे भाई लोग कैसे हो? वो किससे बात कर रहा है? अपन जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के लिए शॉर्टकट पड़ेगा। डाउन होगा कि नहीं? रेट 99.81 था। देख रहे हो दोस्तों कितना खचाखच भीड़ है। भाई ओ भाई ओ। चलिए करते फिर आज की इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल ना फिर देवांशु अंदर की नमस्कार। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अभी तक आपने अगर प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर चलिए फिर आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज है संडे और संडे को हमेशा की तरह हमारा क्या रहता है आप लोगों को तो पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, संडे को हमेशा की तरह हमारा जो है राइड का प्लान रहता है। देखते हैं अपन आज कहाँ जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को ब्लॉग के दौरान तो पता चल जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहना। ओके फिलहाल दोस्तों बात करते हैं आज की इस वेदर की। काफी हद तक जो है अपना साथ दे रहा है, बस शाम तक इसी तरह का वेदर बना रहे। और जरा मैं आप लोगों को बता दूं मैं छत ऊपर इधर से उधर क्यों घूम रहा हूँ। दोस्तों अभी तक जो है मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, इस कारण दोस्तों इधर से उधर मैं घूम रहा हूँ और काफी टेंशन में हूँ। जल्दी से बस अपलोड हो जाए और मैं तुरंत नीचे चले जाऊँ क्योंकि इतनी तीखी धूप है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है और इतना उमस लग रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। One hour later. तो दोस्तों मैं जा रहा हूं नीचे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनसे मिलाता हूं आप लोगों को। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये रहे मेरे फ्रेंड्स कॉलेज के। ये रहा मेरा फ्रेंड उत्कर्ष और वो रहा फ्रेंड मेरा प्रांजल। कैसे भाई लोग कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। इतने दिनों के बाद दिख रहे हो यार। तो क्या फुल चेंज हो गया ना एकदम। वो किससे बात कर रहा है? अहद। वो नहीं आया? अहद वो अपने घर में। अहद बुला रहे? बुलाना उसको। क्या बोलता है? चलेगा? बुला लेना। वहाँ आने वाले लोगों में से तो है नहीं उनको। क्या बोल रहा है? कंधे में बैठा के लाओ। क्या गाड़ी उड़ी नहीं है क्या उसके पास? A few moments later. दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा अपने फ्रेंड से मिलकर, वो भी इतने दिनों के बाद आए थे। फिलहाल अहद तो नहीं आया, आज से किसी दिन और मिल लेंगे क्योंकि दोस्तों अभी वो अपने घर के काम में बिजी है इस वजह से। घर के लिए अरे यार प्लान कर लेना इस बार थोड़ा। चलो ठीक है, बाय बाय, आराम से आना। इन लोग तो निकल गए, अब चलो चलते हैं ऊपर घर की तरफ। फिलहाल दोस्तों जल्दी से करते पहले नाश्ता और नाश्ते में मम्मी ने बनाया उपमा। Three hours later. तो दोस्तों शाम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 5:20 इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हो और मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। देखते हैं आज कहाँ जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को ब्लॉग के दौरान तो पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा फ्रेंड भी आने वाला है और वो कौन है आप लोगों से मैं नीचे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ओके तो दोस्तों ये रहा मेरा फ्रेंड उत्कर्ष। तो दोस्तों आज मैं इसी के साथ जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और कहाँ जा रहा हूँ आप लोगों को मैं रास्ते में बताता हूँ। और लाल दोस्तों इतने दिन से जो है ना मेरे ब्लॉग में नजर नहीं आ रहा था, आप लोग पूछ रहे थे ना, तो इसी से पूछते हैं कहाँ गया था भाई, कहाँ गया था? एमपी गया था भाई, कुछ काम। एमपी गया था किसी काम से, इस वजह से जो है ना मेरे ब्लॉग में नजर नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों चलते फिर आगे की तरफ। तो दोस्तों अपन निकल पड़े। तो दोस्तों यहाँ से जो है अपन टर्न हो जाएंगे, अपन जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के लिए शॉर्टकट पड़ेगा। यहाँ भी हेलमेट और साथ में मास्क के साथ नजर आ रहे लोग, ऊपर सेफ्टी। तो दोस्तों अपन पहुंच गए अंडर ब्रिज साइड, देख लो यहाँ का किस तरह का सीन है। और ऊपर से दोस्तों आज मौसम ने भी साथ दिया है, एकदम खिला खिला मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पहले अपन जो है ना पेट्रोल पंप जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है ना कम है अभी पेट्रोल। और ये रहा आ गया पेट्रोल पंप, देख लो किस तरह का नजारा है, एकदम खाली खाली। अच्छे टाइम में हम लोग आ गए। ये आ गया अपना नंबर। और दोस्तों जरा इधर ध्यान दो कितना है, देखो देख रहे हो? डाउन होगा कि नहीं रेट? कुछ चांसेस है? 99.81 था, 100 क्रॉस हो गया। डीजल का कितना है? 97। बाप रे, इसका हवा चेक करा ले भैया। हवा चेक हो रहा है ना उधर? तो दोस्तों इसका जो है ना हवा भी चेक करा लेते हैं क्योंकि काफी दिन हो गया दोनों चक्के में जो है ना हवा भी चेक नहीं कराए। ये आ गया अपना नंबर। चलिए दोस्तों पेट्रोल का काम तो हो गया, अब चलते आगे की तरफ। अच्छा ही दोस्तों पूरा जो है ना चेकआउट करा लिया आगे पीछे का हवा, और ऊपर से दोस्तों सर्विसिंग भी कराना गाड़ी का, काफी दिन हो गया क्योंकि दोस्तों ब्रेकिंग में भी आवाज आ रहा है और साथ में दोस्तों गाड़ी का इंजन ऑयल भी चेंज कराना है। देखते हैं किसी दिन होगा तो जाएंगे अगले संडे से ही। और जरा इधर तो देखो क्या मिल रहा है रास्ते किनारे, फोटो। दोस्तों रास्ते भर में ना कुछ इसी तरह का नजारा मिलेगा देखने को क्योंकि दोस्तों जगह जगह में जो है ना मशरूम बेच रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आप मेरे राइट साइड देख सकते हो यह है सेक्टर 1 का पार्क। ये देखो बच्चे लोगों के लिए कितना सुंदर बनाया गया है, देख रहे हो? इस साइड जो है बास्केटबॉल ग्राउंड और इस साइड देख लो फुटबॉल ग्राउंड है। इस वक्त जो है भैया लोग खेल रहे हैं, देख लो लाइन से जो है प्रैक्टिस चालू है। तो दोस्तों मस्त खुला खुला आसमान है और खिली खिली धूप निकली है। इस मौसम में दोस्तों स्कूटी राइड करने का तो मजा ही कुछ और है। और दोस्तों जस्ट आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो ये है भिलाई पावर हाउस स्टेशन, देख लो कुछ इस तरह का नजारा है स्टेशन के बाहर का।
खासकर दोस्तों इस ब्रिज के नीचे ना थोड़ा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। देख रहे ऊपर से रोड भी कितना खराब है, और यहाँ से जो है अपन अंडरग्राउंड होके जाएंगे। और दोस्तों ये आ गया पावर हाउस का बस स्टैंड, देख रहे हो कितने बड़े बड़े ट्रक यहाँ से गुजरते हैं, और ये रहा ऑटो स्टैंड। फिर दोस्तों कितना खचाखच भीड़ है, बस स्टैंड भी है और साथ में ऑटो स्टैंड भी है मिक्सअप। देख लो ब्रिज के नीचे कितने सारे पान ठेले की दुकान लगे हैं। और दोस्तों मेरा मन पसंद है देखो आइसक्रीम, ओहो। और देख रहे हो रास्ते किनारे इतने सारे दुकान लगे लाइन से जिसका तो कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ पे देखो दादाजी मास्क के साथ, और इतने सारे फल ठेला देख रहे हो आराम से। और ऊपर से दोस्तों मेन रोड है, खासकर देख के चलना पड़ेगा कि दोस्तों आजू बाजू जो है ना गाय लोग रहते हैं, इनके कारण तो और ट्रैफिक जाम हो जाता है। और देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी शॉप है। और दोस्तों ये देखो भेल सेंटर, कितना भीड़ लगा है देख लो यहाँ पे। और देख लो समोसे की दुकान में देखो कितना भीड़ लगा हुआ है लाइन से। लेकिन दोस्तों देख रहे हो गिने चुने लोगों के फेस में मास्क है, बाकी लोगों का तो पता ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करो। और दोस्तों ये रही मटके की दुकान है देखो लाइन से, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे मटके रखे हुए हैं। ओ भाई साहब जरा देखना तो उत्कर्ष, कितने बड़े बड़े ट्रक है यार यहाँ पे। सामने फैक्ट्री है ना एसीसी का। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ हाउसिंग बोर्ड साइड, दिखाता हूँ आपको यहाँ का ओवरऑल व्यू। तो चलो फिर चलते आगे की तरफ। और दोस्तों ये देखो हाउसिंग बोर्ड साइड का देखो पानी टंकी इतना बड़ा है देखो, इसी का आप देख सकते हो। ये है जीएस स्टील फैक्ट्री, देख रहे हो कितनी बड़ी फैक्ट्री है। फिलहाल तो दोस्तों बाउंड्री के कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा मेन गेट फैक्ट्री का, देखो बाहर से। तो ये रहा हाउसिंग बोर्ड साइड का देखो बिजली विभाग, देख लो कितना बड़ा है। ओ भाई ओ इतना धूल है रे। ओ भाई साहब देख सकते हो दोस्तों सामने का नजारा कितना ब्यूटीफुल सा है, मजेदार रूट है दोस्तों हाउसिंग बोर्ड साइड। लेकिन दोस्तों इतना मैं जरूर कहूंगा ये जो इलाका है ना फोटो शूट के लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को हाउसिंग बोर्ड साइड के घर दिखाता हूं, चलो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख रहे हो दोस्तों हाउसिंग बोर्ड साइड के घर आधे से ज्यादा दोस्तों खपरे वाले घर है। तो ये रहा हाउसिंग बोर्ड साइड का देखो सब्जी मार्केट, जिसे हम मेन मार्केट भी कहते हैं। देख लो कितना भीड़ है, देख रहे हो अभी अभी लगना चालू हुआ है मार्केट। ठीक है आप देख सकते हो ये रहा हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट मैदान, इस साइड से जो है पड़ता है सीधा सीधा जाएंगे तो। जरा यहाँ की सोसाइटी तो देखो, आसपास बिल्डिंग हमारे सेक्टर 6 जैसा ही है, देख रहे हो यहाँ के दोस्तों क्वार्टर्स देखने लायक रहते हैं। मेन बात दोस्तों अपन जो है ना आसपास एरिया में घूमते घूमते ना जो अपन घूम गए रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, अलग ही टाइप का यहाँ का रूट है ना। तो यहाँ से हाउसिंग बोर्ड साइड का देखो तालाब चालू होता है, दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर ले जाकर। ये रहा एंट्रेंस गेट, देख रहे हो दोस्तों इस साइड का तालाब कुछ इस तरह का है, बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लियर नहीं है और ना ही डेवलप हुआ अभी तक। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आसपास के नजारे, इधर आपका जब भी आना होगा ना दोस्तों गूगल मैप जरूर लगा के आना, ये तो आप लोग भी घूम जाओगे जिस तरह अभी हम लोग जैसे घूम गए। और दोस्तों शाम होती साथ कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, देख लो सारे बच्चे लोग खेल रहे घर के सामने। जस्ट आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो ये रहा गुरुद्वारा, देख लो बड़ी सुंदर तरीके से इसको जो बनाया गया है, आप लोग दर्शन कर लो बाहर से। फिलहाल दोस्तों इस एरिया में तो मैं नया नया आया हूँ, ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट जितना पता है आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा दोस्तों राइट लेफ्ट देख के चलाना पड़ेगा, कि अभी जिस तरह का ये रोड है ना एकदम रश एरिया है, मस्त है। देखो साइकिल चला रहे किसी बात की कोई टेंशन नहीं, और खासकर दोस्तों ऑफ रोडिंग भी हो जा रही है हमारी, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात है रोड के जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो ये रहा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हाउसिंग बोर्ड साइड का, देख लो कितना बड़ा है। अपन जिस तरह सोच रहे हैं ना दोस्तों हाउसिंग बोर्ड एकदम क्लीन एंड क्लियर जगह है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो यही सोच के आया था कि दोस्तों अच्छा अच्छा सीन मिलेगा देखने को, लेकिन देख लो किस तरह का नजारा है, देख लो कितनी गंदगी आसपास। थाम्बा। तो दोस्तों अपन हाउसिंग बोर्ड से निकलकर अपन पहुंच गए ब्रिज साइड, और ऊपर से दोस्तों जितना भी एरिया ना हाउसिंग बोर्ड साइड का पूरा फैक्ट्री साइड एरिया है। ओए कितना धूल उड़ा रहा है यार। तो दोस्तों यहाँ से जो है अपन राइट साइड टर्न हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो अपने को बीएसपी प्लांट पड़ेगा, यहाँ से सीधा सीधा कहीं टर्न नहीं होना है। ओए इतना धूल उड़ा रहा है यार, इसका कोई हिसाब नहीं है, देख रहे हो। कुछ भी बोलो दोस्तों अपना सेक्टर अपना ही होता है, पहुंच गए अपने सेक्टर साइड जैसे कि आप देख सकते हो। आई लव भिलाई, इस वक्त है हम लोग सेक्टर 5 के चौक में, यहाँ से अपन टर्न हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपन जो है अपने सेक्टर 6 में एंटर हो जाते हैं। अब आसपास का इन्वायरमेंट दोस्तों अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये रहा हमारे सेक्टर 6 का मार्केट, देख लो बाहर से कुछ इस तरह का नजर आता है दोस्तों। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही, दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।